प्रदेश में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सरकार की तरफ से घोषित महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा अभियान के नियमों का गुरुग्राम में जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार द्वारा व्यापारियों को दी गई छूट के नियमों के अनुसार ऑड इवन फॉर्मूले के तहत बाजार में दुकानें खोली जा सकती हैं। हालांकि गुरुग्राम की बात करें तो यहां नंबर को ऑड इवन की बजाय लेफ्ट राइट के हिसाब से बाजार और दुकानें खोलने के आदेश प्रशासन द्वारा दिए गए हैं, जिनमें एक दिन में लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेंगी तो अगले दिन राइट साइड की दुकानें खोली जाएंगी। लेकिन गुरुग्राम के सबसे मुख्य सदर बाजार में इन नियमों की अनदेखी खुलेआम की जा रही है। सदर बाजार में लेफ्ट और राइट दोनों साइड की अधिकतम दुकानें खुली नजर आई। हालांकि कुछ व्यापारी इस बात को लेकर विरोध भी कर रहे हैं कि आखिर प्रशासन पूरी तरीके से इन नियमों का पालन क्यों नहीं करवा रहा। गुरुग्राम के मुख्य सदर बाजार में नियमों की अनदेखी खुलेआम की जा रही है। बाजार में लेफ्ट और राइट दोनों साइड की अधिकतम दुकानें खुली नजर आई। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने बाजार में नियमों की हो रही अनदेखी का जायजा लिया। हरियाणा में कोरोना के मामले तो घट रहे हैं और इसी को लेकर के प्रदेश सरकार के द्वारा महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा एक अभियान जो चलाया गया, जिसे अब 14 तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ जहां समय सुबह 9 से शाम 6 बजे तक का दुकानों का किया गया है, बाजार का किया गया है, मॉल का रात 8 बजे तक का किया गया, इसके साथ साथ नियम रखा गया है ओड इवन का, ताकि ज्यादा भीड़ ना हो, ज्यादा दुकानें ना हो। ओड इवन का कहीं ना कहीं नियम बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं नियमों की भी धज्जियां जरूर होती है, नियमों की भी अनदेखी जरूर होती है। हम गुरुग्राम के सदर बाजार में और आपको दिखाना भी चाहेंगे यहाँ के हालात। ओड इवन की बात करें तो एक साइड लगे, हालांकि यहाँ पर नंबर नहीं, तो इनको एक दिन लेफ्ट साइड और एक दिन राइट साइड, इस तरीके के नियम जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो आपको बाजार के अंदर दोनों ही तरफ की खुली हुई दुकानें नजर आएंगी। कुछ जरूर दुकानें ऐसी हैं जिन्होंने बंद कर ली, लेकिन आपको अधिकतर हम दुकानों की अगर बात करें तो वो दोनों तरफ की दुकानें जो हैं वो खुल रही हैं। कुछ व्यापारी जरूर साथ दे रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी दुकानदार हैं जो कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। दोनों ही तरफों की दुकानें खुलती है। जो हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, क्या कहेंगे जो एक महामारी अट के तहत ओड इवन की जो एक मुहिम चलाई गई थी उसे आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई खोला जाए तो सभी के लिए खोला जाए, ये थोड़ा कि छोटे मोटे दुकानदारों की बंद करा दो और बड़े दुकानदार खोल लें। मेन सदर बाजार सारा खुला हुआ है और रोशनपुरे की मार्केट सारी बंद करा दी जो सब्जी मंडी के नजदीक है, वो पूरा रोशनपुरा बंद करा दिया। वो पुलिस वाले कहते हैं कि ड्यूटी हमारा एरिया ये, हम तो इस गली की बात करेंगे, ये गली हम बंद कराएंगे, सदर बाजार से हमारा कोई मतलब नहीं है। आपकी किस चीज की दुकान? मेरी कपड़े की दुकान है। तो आज वो बंद कराई गई है? हाँ जी, वो बंद कराई गई है। तो आप इसको किस तरीके देखते हैं? होना चाहिए तो पूरा बाजार बंद होना चाहिए, नहीं तो कोई भी बंद नहीं होनी चाहिए। खुलनी चाहिए तो सबकी खुलनी चाहिए, सारा बाजार खुलना चाहिए। सब अगर जो खोल रहे तो हम भी खोल लेंगे। हमारी बड़े बड़े दुकानदार सबने खोल रखी है। जब बड़े दुकानदार खोलेंगे तो छोटे दुकानदार क्या कसूर है? छोटे दुकानदारों के तो बच्चे जैसे बड़े दुकानदारों के बच्चे हैं। नहीं, एक कारण है कि कहीं ना कहीं नियमों के, देखिए इनका कहना है कि या तो सरकार नियम बनाए तो उसकी पूरी पालना हो, ओड इवन की जो बात की जा रही है उसी अनुसार दुकान खोले और आने था, कम से कम इस तरीके की अनदेखी ना हो जो बाजार के अंदर है। केवल कुछ चिन्हित लोगों को ही दुकानें खोलने की अनुमति जो है दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे लोग हैं जो अलग तरीके से अवैध तरीके से इस तरीके की दुकानें खोल रहे हैं। यही कारण है भीड़ भी है और दोनों तरफ की दुकानें यहाँ आपको खुली नजर आएंगी। हालांकि ओड इवन के नियम की पालना की बात की जा रही थी तो ये कहीं ना कहीं इससे कई व्यापारियों में निराशा भी, जिससे कि बात कर रहे थे कि इनकी दुकानें तो बंद करा दी गई लेकिन कई व्यापारियों की दुकानें खुली हैं, कई ऐसी दुकानें खुली हैं जिसको लेकर के ये हालांकि शिकायत भी कर रहे हैं, प्रशासन से इनका कहना है कि कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़।